ग्रेटर नोएडा वेस्ट के इको विलेज फर्स्ट में अंडे और दूध डिलीवरी करने गए डिलीवरी बॉय ने फ्लैट में युवती को अकेला पाकर मारपीट कर रेप की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी डिलीवरी बॉय जब कोतवाली बिस्रक पुलिस गिरफ्तार कर थाने ले जा रही थी, इसी दौरान उसे एक दरोगा की पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी की गोली लगने से घायल हो गया, उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। एडीसीपी सेंट्रल नोएडा हृदेश कठेरिया ने बताया कि आरोपी ने युवती को सामान डिलीवरी करने के लिए गया था और उसे अकेला पाकर उसके साथ मारपीट और रेप किया। युवती की शिकायत पर कोतवाली बिस्रक पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई को अंजाम दिया। दिनांक 27 अक्टूबर को थाना बिस्रक में इकोटेक विलेज सोसाइटी में एक युवती के साथ सेक्सुअल असॉल्ट की घटना ब्लैंकेट कंपनी के एक डिलीवरी बॉय द्वारा कारित की गई थी, जिसमें तत्काल स्थानीय थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया और 5 टीमों का गठन किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से स्वाट टीम, सेंट्रल की सीडीटी टीम आदि टीमें गठित थीं। उसी के क्रम में एक टीम जिसमें एसआई आस्था चौधरी, एसआई भरत सिंह आदि पुलिस बल के द्वारा अभियुक्त सुमित शर्मा निवासी असेजा थाना वादापुर को गिरफ्तार कर थाना बिस्रक लाया जा रहा था। रास्ते में सुनसान जगह पर सेक्टर 3 के पास अभियुक्त पुलिस बल की पिस्टल छीनकर भागा। तत्काल पुलिस टीम द्वारा अन्य टीमों को इन्फॉर्म किया गया। तत्काल ही स्वाट टीम, सीडीटी टीम, एसएचओ बिस्रक की टीम मौके पर पहुंच करके काम्बिंग शुरू कर दी। अभियुक्त सुमित शर्मा के द्वारा पुलिस बल पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई, जिसमें आत्मरक्षा मुठभेड़ में अभियुक्त के पैर में गोली लगी, जिसको उपचार हेतु नज़दीकी अस्पताल भेजा गया।